नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, सेकंड टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया, लेकिन मैच के बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सभी का दिल जीत लिया और खास करके भारतीय प्रशंसक इस चीज़ की बहुत तारीफ कर रहे हैं। दरअसल हमें देखने को मिला कि मैन ऑफ द सीरीज कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत बने थे। ऋषभ पंत इस समय भारत के उभरते हुए और टैलेंटेड स्टार खिलाड़ी हैं और जिस तरह की इनकी हालिया फॉर्म रही है उसे देखने के बाद हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है क्योंकि ऋषभ पंत बेहद ही शानदार फॉर्म दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दूं, जब मैन ऑफ द सीरीज ऋषभ पंत बने हैं तो रोहित शर्मा ने उनको ट्रॉफी दी जिसे देखने के बाद ऋषभ पंत ने उनके आगे हाथ जोड़ लिया। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किस वजह से ऋषभ पंत को हाथ जोड़ना पड़ गया, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत ही खासम खास टेस्ट सीरीज चल रही थी, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में यह कहा जा रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन देखने को यह मिला कि मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने हर मौके पर विराट कोहली की ज्यादा से ज्यादा तारीफ करने की कोशिश की और इन्हीं सभी बातों ने रोहित शर्मा के फैंस का दिल जीत लिया है। और एक बार फिर से ये लग रहा है कि टीम इंडिया में सब कुछ ठीक हो चुका है और इस बार टीम इंडिया पूरे विश्व में सबसे मजबूत टीम बन चुकी है। और इसमें अगर किसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा तो वो है भारतीय युवा खिलाड़ी जैसे कि श्रेयस अय्यर, जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और हर मैच में लगभग अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं ऋषभ पंत भी बेहद ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और काफी खुशी होती है बताते हुए कि ऋषभ पंत इस बार श्रीलंका के खिलाफ बेहद ही शानदार फॉर्म दिखाकर और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। दोस्तों, मैच के बाद सभी खिलाड़ी बहुत ज्यादा खुश नजर आए हैं और इसका फायदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी लगातार भारत को मिल रहा है। भारतीय टीम पॉइंट टेबल में भी ऊपर खिसक चुकी है। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं, जब टीम इंडिया जीत चुकी थी तो सभी खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए, जिसमें देखने को मिला कि रोहित शर्मा विराट कोहली से बात करते हुए नजर आए और रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में ऐसा लग रहा है कि जितनी भी अनबन थी वो पूरी तरह से दूर हो चुकी है, जितने भी गिले शिकवे थे वो सब दूर हो चुके हैं और सभी खिलाड़ी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैच के दौरान भी हमें देखने को मिला कि रोहित शर्मा बीच बीच में विराट कोहली से बात कर रहे थे, जिसकी दिग्गज खिलाड़ी भी तारीफ कर रहे हैं। अब ऐसे में देखने को यह मिला कि जब मैच के बाद टीम इंडिया को जीत की ट्रॉफी मिल रही थी तो रोहित शर्मा ने उस ट्रॉफी को सीधे लाकर किसी और को नहीं बल्कि ऋषभ पंत को सौंप दिया और ऋषभ पंत इस ट्रॉफी को लेते ही बहुत ज्यादा खुश नजर आए। हालांकि ऋषभ पंत इस ट्रॉफी को जल्दी ले नहीं रहे थे और उसी दौरान देखने को मिला कि ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा के सामने हाथ भी जोड़ा था। इसकी तस्वीरें बहुत तेजी से इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और रोहित शर्मा ने अगर ऋषभ पंत को ट्रॉफी सौंपी तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि ऋषभ पंत की फॉर्म जो है वो बहुत शानदार रही है और ऋषभ पंत इसके पूरी तरह से हकदार रहे हैं। और रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की इन तस्वीरों ने फैंस का दिल जीत लिया है और सभी बहुत ज्यादा खुश हैं कि ऋषभ पंत इतनी शानदार फॉर्म में हैं। और इसके अलावा टीम इंडिया के लिए ऋषभ पंत काफी कुछ करने वाले हैं और आने वाले दिनों में काफी सारे मैच भी जिताकर भारत को देने वाले हैं। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।